नमस्कार, मैं अमित कुमार राय। अभी मैं बेतिया रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और यहां पे एक डिजिटल भिखारी राजू यहीं पे रहता है। आप सभी लोग उस नाम से वाकिफ होंगे क्योंकि वहीं डिजिटल भिखारी राजू जिस समय कोरोना काल आया था उसी समय से वो फेमस हुए क्योंकि वो अपने गले में स्कैनर लगा के चलते थे। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के कदमों पे चलने का काम किए थे और डिजिटल इंडिया का जो सपना हम लोग देखते हैं उसका वो एक मिसाल बने थे। तो आज डिजिटल भिखारी राजू के तरफ से कॉल आया कि मेरे पास गद्दा नहीं है, सोने के लिए गद्दा नहीं है, मेरा बेड फट चुका है। तो मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप जी के कानों तक ये बात को पहुंचा और उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और उस काम को पूरा करने के लिए पूरा मनीष कश्यप टीम लग गया और टीम लगा और खुद मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप के द्वारा बेड को खरीदा गया और राजू के पास तुरंत पहुंचाया गया, पहुंचाने का काम किया गया। आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे एक निष्पक्ष पत्रकार मनीष कश्यप के भाई के द्वारा ये श्रद्धा, आप समझ सकते हैं, जिस परिवार का लाल अभी जेल में हो और जिस परिवार की स्थिति सही न हो लेकिन अगर कोई मदद के लिए हाथ को बढ़ाता है तो वो परिवार मदद करने के लिए हाथ पीछे नहीं खींचता है, मदद करने के लिए तत्पर उपस्थित हो जाता है और मदद खुल के करता है। जो मदद कोई मांगे, अगर उस परिवार के लायक वो मदद होता है तो उस परिवार के द्वारा उसको मदद करने का काम किया जाता है। आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे करण कश्यप खुद बाइक पे बैठ के बेड लेके और बेड डिजिटल भिखारी राजू के पास पहुंचाते हैं रेलवे स्टेशन पे, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है नया बिहार बनाने का जो सपना मनीष कश्यप देखे हैं उसको ये कहीं ना कहीं पूरा करता है। ऐसे ही हमारा देश बदलेगा जब एक इंसान दूसरे इंसान के लिए खुल के सामने आएगा और उसका मदद करेगा तभी जाके हमारा बिहार बदलेगा। तो तू काहे ना कॉलर डबल बैठ के, तू कॉलर सिंगल बैठ के ना, एक ओवरी चला ही, अब दुकान तो बंद हो गई, फिर बिहान परसों में आ जाए, ब्याह कर तबे ना डबल बैठ चाहिए, अभी तो अकेले अकेले बड़ा तो अकेला ही ना करण भैया के हूँ आप क्या कह के चाहते रह मनीष कश्यप के बारे में? कोई बात हम कहता नहीं जो मनीष भैया तू आओ हम चाहे हम मदद करब मदद। हाँ, जब दुख के घड़ी आवे तो मनीषे के परिवार चाहे मनीष तार मदद करे लो, करे लो कि ना करे लो। तू कितना दिन से बहुत लोग से गद्दा मांगत रह लेकिन क्यों ना लिए लोग, मनीष भैया लिया के देले ना खुश बाड़ो। हाँ, वाह। आप देख सकते हैं राजू के लिए आज मनीष कश्यप की तरफ से एक बेड आया, बेड के लिए ये बहुत दिनों से लोगों से बोल रहा था लेकिन आज हम लोग को लगा कि एक राजू को बेड खरीद के दिया जाए तो मनीष कश्यप टीम की तरफ से आज एक बेड उनको दिया जा रहा है। और देखिए राजू कैसे बिस्तर पे अपना सो रहा है, देखिए बेड लगाएगा। जब एक इंसान दूसरे इंसान के लिए खुल के सामने आएगा और उसका मदद करेगा तभी जाके हमारा बिहार बदलेगा। प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।